ब्रह्मचारी रविंची आत्मन द्वारा लिखित लघु बोध कथाएं, लघु कथा नंबर 38, टीवी के दुष्परिणाम। बैंक मैनेजर संदीप माता पिता से दूर सर्विस करता था। उसने पहले तो पत्नी के आग्रह से टीवी खरीद ली और कभी कभी स्वयं भी देख लेता, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे टीवी देखने का व्यसन हो गया। ऑफिस से आकर टीवी देखने बैठ जाता, भोजन भी वहीं टीवी देखते देखते करता, कुछ अश्लील फिल्में भी देख लेता, अतः चित्त चंचल रहता, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाता। बच्चे भी टीवी देखने बैठ जाते, घर के कार्य भी समय पर नहीं हो पाते। रात्रि को देर से सोने के कारण कब्ज रहने लगा, आंखों पर भी दुष्प्रभाव हुआ, जलन पड़ने लगी, चश्मे का नंबर भी बढ़ता जा रहा था, मस्तिष्क भारी भारी रहता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। अब तो घर पर पत्नी और ऑफिस में कर्मचारी परेशान रहने लगे, वह स्वयं टेंशन में रहने लगा। सौभाग्य से उसका एक सहपाठी मित्र अरुण आया। उसका चेहरा प्रसन्न और अच्छा स्वास्थ्य उसे बहुत सुहावना लगा। बातचीत में स्थिरता, मधुरता उसे बहुत अच्छी लगी। अरुण ने बताया कि वह दैनिक स्वाध्याय करता है। दूसरे दिन वह उसी नगर के जिन मंदिर में चलने वाली स्वाध्याय गोष्ठी में संदीप को ले गया। वहाँ के प्रवचनों में उसे अपना ही हित दिखा और वह नित्य जाने लगा। प्रवचनों से प्रभावित होकर उसने एक दिन टीवी देखने का त्याग ही कर दिया। वह अच्छी पुस्तकों एवं शास्त्रों के अध्ययन में अपना समय लगाने लगा। अब वह जल्दी उठता, प्रातः की शुद्ध वायु और शुद्ध चिंतन उसके लिए अमृत तुल्य भासित हुआ। शीघ्र स्नान आदि करके प्रवचन में पहुँचता, वहाँ से आकर प्रसन्नता से सात्विक भोजन करता, ऑफिस के कार्य में मन लगने लगा, ईमानदारी से अच्छा कार्य करने से प्रतिष्ठा भी बढ़ी। घर के कार्यों एवं बच्चों की पढ़ाई एवं संस्कारों पर ध्यान देने से परिवार का वातावरण भी सुधर गया। फिर तो वह टीवी के दुष्परिणामों पर लेख लिखकर पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में भेजता। जहाँ भी भाषण का अवसर मिलता, वह उसकी चर्चा अवश्य करता।